Dafungais. Thank you, sir. Hard doing. Thankful, thank you. Made all your life. It's glorious. It's glorious. Start. Balmis. Balmis. Managaman hai. Avanashtahi. Avanashtahi. Kuch maa pranagaman hai. Divanish. Divanish. Avanish. Avanish. Kuchu padhaya jayega ki nahi. It will be taught. पढ़ाया जाएगा कि नहीं. It will be taught की जगह चलो it will be taught बोलो. It will be taught. क्या पढ़ाया जाएगा? It will be taught. बोलो. Yes. And it will be taught. I will taught ना. मैं पढ़ाया जाऊंगा. पढ़ाया जाएगा. It will be taught. क्या? It will be taught. It will be taught. बोलो. It will be taught. So what's being done in your batch? What's been done in your batch? Passive voice is being taught. Passive voice पढ़ाया जा रहा है ना, so passive voice is being taught. क्या? Passive voice is being taught. तो ठीक है, हमारी बात कहाँ तक पहुँची है? हमारी बात पहुँची है going to तक पहुँच चुकी है. Going to be, it's going to be है. मतलब जो भी होने वाला है, it's going to be done. क्या? It's going to be done. भैया अब क्या होने वाला है? It's going to be done. What's going to be done? क्या? What's going to be done? What's going to be done? क्या? What's going to be done? Batch finish होने वाला? Batch is going to be finished. Batch is going to be finished. बोलो. Batch is going to be finished. Batch is going to be finished. बोलो जी. Batch is going to be finished. Batch is going to be finished. क्या? Batch is going to be finished. Yes, got it. Any I don't have any prop. I don't have any prop. It will be spoken. I will be spoken. It will be spoken. It will be spoken. क्या? It will be spoken. क्या हुआ? आई विल बी स्पोकन का मैं बोला जाऊंगा. मैं आई विल बी स्पोकन मुझे बोला जाएगा. अरे मुझे नहीं बोला जाएगा. इट विल बी स्पोकन बोला जाएगा. इट विल बी स्पोकन क्या? इट विल बी स्पोकन. व्हाट विल बी स्पोकन? इंग्लिश विल बी स्पोकन. इंग्लिश विल बी स्पोकन. स्पोकन बोलो. इंग्लिश विल बी स्पोकन. इंग्लिश विल बी स्पोकन. स्पोकन बोलो जी. इंग्लिश विल बी स्पोकन. यस गॉट इट. एनी प्रॉब्लम? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. एनी प्रॉब्लम बोलो जी. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. यानी जो भी हो रहा है ना, तो इट इज बीइंग डन. क्या? इट इज बीइंग डन. हो रहा था. इट वाज डन. इट वाज बीइंग डन. पास्ट में अपने आप पहुंच जाना है. जो भी हो रहा था, विजय मार्ग का पास्ट वाज बनना हो जाएगा. तो जो भी हो रहा था, इट वाज बीइंग डन. क्या? इट वाज बीइंग डन. इट वाज बीइंग डन. जो भी हो गया है, इट हैज बीन डन. इट हैज बीन डन. क्या? इट हैज बीन डन. इट हैज बीन डन. जो भी होता है, इट इज डन. क्या? इट इज डन. हुआ था. इट वाज डन. इट वाज डन. क्या? इट वाज डन. यानी स्ट्रक्चर नहीं भूलना है. स्ट्रक्चर नहीं भूलोगे तो कुछ नहीं है. तो बात एकदम चंगा सी. यस यस आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. इट विल बी स्पोकन. क्या? इट विल बी स्पोकन. इट विल बी स्पोकन. व्हाट विल बी स्पोकन? इट विल बी स्पोकन. इंग्लिश विल बी स्पोकन. स्पोकन क्या? इंग्लिश विल बी स्पोकन. अच्छा, इसके बाद जो हमने जिक्र किया था ना, किसका जिक्र किया था पता है? फीलिंग का जिक्र किया था. यानी कैन को भी हमने पढ़ लिया. जो भी हो सकता है, इट कैन बी डन. क्या? इट कैन बी डन. इट कैन बी डन. जो होना चाहिए, इट शुड बी डन. शुड बी डन. क्या? इट शुड बी डन. इट शुड बी डन. जो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी डन. इट इज गोइंग टू बी डन. बोलो. इट इज गोइंग टू बी डन. इट इज गोइंग टू बी डन. बोलो कुछ. इट इज गोइंग टू बी डन. इट इज गोइंग टू बी डन. यस गॉट इट. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. इट विल बी स्पोकन. इट विल बी स्पोकन. इट विल बी स्पोकन. स्पोकन क्या? इट विल बी स्पोकन. English will be spoken. English will be spoken. Spoken बोलो. English will be spoken. इसके बाद जो हमने सीखा था वो feeling को सीखा था, ठीक है? तो यानी one two को हमने सीखा था. तो वहां पर पता है क्या होगा? स्ट्रक्चर, वहां पर जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ तरीके से होगा. याद रखेगा, यानी स्ट्रक्चर यहाँ पर one two में ना आपको दो तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा. एक तो स्ट्रक्चर ये मिलेगा, यानी अब तक जो पढ़ा सिविल स्ट्रक्चर पढ़े थे कितने थे भाई? एट स्ट्रक्चर पढ़ लिया. चलो इसका नंबर 9 दे देते हैं. चलिए, यानी जो नोवा स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा कुछ तरीके से रहने वाला है. आई वांट, और उसके बाद में यानी आई को छोड़ करके मैं चलो यहाँ पे इट ही लिख देता हूँ. इट वांट, उसके बाद में टू और बी और डन.
इट वांट टू बी डन, क्या इट वांट टू बी डन, हालांकि इट वांट टू बी डन ना होकर के क्या होगा बोलो, इट वांट इट वांट्स टू बी डन होगा। ये बात पता होगा आपको भाई, इट जो है सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, एक मान करके चलते हम, तो इट वांट्स टू बी डन, क्या इट वांट्स टू बी डन। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ज्यादातर ना पता है क्या होगा यहाँ पर ना, हम जो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इच्छा की जब हम बात करते हैं, इच्छा की जब हम बात करते हैं तो एक बार बताइएगा, इच्छा व्यक्तियों की तो होती है, कोई चीज की वस्तु की इच्छा होती है क्या कभी? वस्तु की इच्छा तो होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल इट को हटा करके मैं यहाँ पर इसीलिए आयल ही लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अब आय को हटा के यहाँ पे कुछ भी लगा देना, ही लगाओ, यू लगाओ, वी लगाओ, दे लगाओ, तुम्हारा मर्जी है, राजू लगाओ, गोलू लगाओ, टोनो लगाओ, मोन लगाओ, सोनो लगाओ, चिंटू पिंटू, ठीक है, गोलू मोलू, छोटा भीम, बड़ा भीम, कुछ भी लगता है, क्या डेट बंदर संदर कुछ भी लगा सकते हो, डेट यानी कहने का मतलब ये है, बात ऐसी बिल्कुल घर जैसी, क्या यानी फीलिंग जो होती है वो हमारी व्यक्ति की फीलिंग होती है, चीज की फीलिंग नहीं होती, इसलिए हमें यहाँ पर चीज की बात कर ही नहीं सकते हैं, got it? Yes, got it. Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. I don't have it. Any problem? Any problem? बोल लो कुछ. I don't have any problem. I don't have any problem. यानी आप अपने ऊपर जो भी काम करवाना चाहते हैं, I want to be done. क्या? I want to be done. I want to be done. Done. क्या? I want to be done. I want to be done. Done. क्या? I want to be done. इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या है, अब मान लीजिए अपने लिए आपको कहना है, अपने लिए कुछ भी बोलना है, कभी मैं डांट खाना चाहता हूँ, हालांकि ऐसी इच्छा कभी होती नहीं है, ये तो दूसरे के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे ही भी आ सकता है, ही आएगा तो ही वांट्स टू बी डन हो जाएगा, क्या ही वांट्स टू बी डन, ही वांट्स टू बी डन, डन क्या ही वांट्स टू बी डन, ही वांट्स टू बी डन, डन क्या ही वांट्स टू बी डन, ही वांट्स टू बी डन, कि भाई ये पिटना चाहता है, ही वांट्स टू बी बीटन, क्या ही वांट्स टू बी डन, पिटना चाहता है, ही वांट्स टू बी डन, ही वांट्स टू बी डन, ही वांट्स टू बी डन, बोलो भाई ही वांट्स टू बी डन, ये पिटना चाहता है, ही वांट्स टू बी डन, ही वांट्स टू बी डन, ये डांट खाना चाहता है, ही वांट्स टू बी स्कोल्डेड, ही वांट्स टू बी स्कोल्डेड, क्या ही वांट्स टू बी स्कोल्डेड, ही वांट्स टू बी स्कोल्डेड, बोलो ही वांट्स टू बी स्कोल्डेड, यस गॉट इट, यस गॉट इट, नो भैया मरना चाहता है, ही वांट्स टू बी डाई, ही वांट्स टू बी किल्ड होगा, यस यस, ही वांट्स टू बी किल्ड होगा, अगर ही वांट्स टू बी डाइड बोलोगे ना तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा भाई, वो डाई अपने आप में मरना होता है, तो वो तो ही वांट्स टू डाई हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ही वांट्स टू डाई, मरना चाहता है, हमने कहा मरना चाहता है, तो इसे पैसिव अगर आप हो रहा है तो ही वांट्स टू बी किल्ड, क्या ही वांट्स टू बी किल्ड, ही वांट्स टू बी किल्ड, क्या ही वांट्स टू बी किल्ड, ही वांट्स टू बी किल्ड, क्या ही वांट्स टू बी किल्ड, got it, yes got it, भी एक ट्रेन होना चाहता है, ही वांट्स टू बी ट्रेन्ड, मतलब ट्रेंड होना चाहता है, मतलब ही वांट्स टू बी ट्रेन्ड, यानी कुशल होना चाहता है, ही वांट्स टू बी ट्रेन्ड, ही वांट्स टू बी ट्रेंड, क्या ही वांट्स टू बी ट्रेन्ड, ही वांट्स टू बी ट्रेंड, बोलो ही वांट्स टू बी ट्रेंड, भी मैं होना चाहता हूँ ट्रेंड, आई वांट्स टू बी ट्रेंड, आई वांट्स टू हो जाएगा, आई वांट टू बी ट्रेंड होगा, क्या आई वांट टू बी ट्रेंड, आई वांट टू बी ट्रेंड, बोलो आई वांट टू बी ट्रेंड, आई वांट टू बी ट्रेंड, क्या आई वांट टू बी ट्रेंड, यस गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बोल लेंगे, इट विल बी स्पोकन, विल बी स्पोकन, क्या इट विल बी स्पोकन, व्हाट विल बी स्पोकन, इट विल बी स्पोकन, इंग्लिश विल बी स्पोकन, व्हाई इंग्लिश विल बी स्पोकन, कैन यू गिव आंसर, कैन आंसर बी गिवन ऑफ इट, इट इज बीइंग लर्न्ड, बिकॉज इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड, इंग्लिश सीखी जा रही है, दैट्स व्हाई इंग्लिश विल बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जाएगी, बात खत्म, क्या इट इज इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड, अरे इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड, बट बोलो इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड, इसका आंसर यही हो जाएगा कि भैया इंग्लिश सीखी जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड, क्या इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड, इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड, इसलिए दैट्स व्हाई, इसलिए दैट्स व्हाई बोली भी जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन, इट विल बी स्पोकन बोल देगा, इट से कहा जरा लगे, एक बार नेम क्लियर हो गया इंग्लिश तो दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं है, भैया बोला जाएगा इंग्लिश को, तो इट विल बी स्पोकन, क्या इट विल बी स्पोकन, इट विल बी स्पोकन, स्पोकन बोलो इट विल बी स्पोकन, इट विल बी स्पोकन, क्या इट विल बी स्पोकन, इट विल बी स्पोकन, तो इस तरीके से जो भी काम मतलब किसी दूसरे को करवाना ऐसा होना चाहता है तो इस तरीके से मतलब बोल सकते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और आता है आपका, तुम्हारा किस में पता है, इसी में आता है, वो क्या आता है, वो स्ट्रक्चर कुछ खास और स्पेशल तरीके का होता है, आई वांट, आई वांट के बाद में याद रखिएगा यहाँ पर कोई ना कोई नो एक्शन का वर्ड लेकर के आएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में टू बी डन होगा,
तब होगा टू बी डन। जैसे मैं यहाँ पर फिलहाल जो है इस बॉक्स को ना बना करके मैं सीधा यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर यू लिखे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं यू लिखे देता हूँ। और अब इसका मतलब क्या निकलेगा वो समझ लो, ठीक है। और हालांकि जब मैं अक्रमण से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आपको मैं लिखा भी दूंगा हिंदी में भी, तो ये बड़े समझने की बात है क्योंकि दो चीजें हैं, आई वांट टू बी डन, आई वांट यू टू बी डन, ठीक है। अब इसको समझो जरा, यहाँ पर क्या है, आप हम सामने वाले को कहें कि भाई तुम पिटना चाहते हो, यू वांट टू बी बीटन, तुम पिटना चाहते हो, यू वांट टू बी बीटन। इसके अलावा एक कंडीशन ये और आती भी, मैं चाहता हूं तुम ना पिटो, मैं चाहता हूं तुम पिटो, लेकिन मैं ना पिटू कोई और पीटे, मैं चाहता हूं तुम पिटो। तो सबसे पहले आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूं, बड़ा खुश हो जाएगा। किसी को बोला आई वांट यू, भाई मैं तुम्हें चाहता हूं, क्या बात है, मेरा कितना सुप्रीम तक है, पीछे से कर दो टू बी बीटन, मैं चाहता हूं तुम्हें पिटो। तो आई वांट यू टू बी बीटन, क्या आई वांट यू टू बी बीटन, मैं चाहता हूं तुम पिटे, आई वांट यू टू बी बीटन, आई वांट यू टू बी बीटन, क्या आई वांट यू टू बी बीटन। यहां पर ये नहीं है कि मैं तुम्हें पीटना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम पिटो, और किसके द्वारा पिटो ये नहीं पता, ठीक है। और ये बोलना है तो बोल सकते हो, भाई आई वांट यू टू बी बीटन बाय अंकल, मैं चाहता हूँ तुम अंकल के द्वारा पिटो, तुम पे मार पड़े अंकल के द्वारा, तो या बाय द मतलब बाय टीचर, टीचर के द्वारा मार पड़े, तो जिसके द्वारा भी पड़े मार वो आप बाय करके लगा सकते हो, बाकी नहीं तो भाई मैं चाहता हूँ तुम पिटो, तो आई वांट यू टू बी बीटन, क्या आई वांट यू टू बी बीटन, मैं चाहता हूँ तुम पिटो, आई वांट यू टू बी बीटन, आई वांट यू टू बी बीटन, क्या आई वांट यू टू बी बीटन, आई वांट यू टू बी बीटन, बीटन, क्या आई वांट यू टू बी बीटन, मैं चाहता हूँ तुम पे डांट पड़े, आई वांट यू टू बी स्कोल्डेड, आई वांट यू टू बी स्कोल्डेड, बोलो आई वांट यू टू बी स्कोल्डेड, आई वांट यू टू बी स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, बोलो जी आई वांट यू टू बी स्कोल्डेड, आई वांट यू टू बी स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, क्या आई वांट यू टू बी स्कोल्डेड, आई वांट यू टू बी स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, क्या आई वांट यू टू बी स्कोल्डेड, यस गॉट इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इस तरीके से आप मतलब बोल सकते हैं व्यक्ति जिसके ऊपर भी मतलब काम करवाना है आपको, इसको मतलब बीच में लेकर के आ सकते हैं, got it? Yes, got it. Yes, got it. Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. बोलेंगे. It will be swollen. What will be swollen? English will be swollen. मैं चाहता हूँ घर पे पेंट हो जाए. I want house to be painted. क्या I want house to be painted. I want house to be painted. क्या I want house to be painted. मैं चाहता हूँ bike repair हो जाए. I want bike to be repaired. I want bike to be repaired. क्या I want bike to be repaired. I want bike to be repaired. To be repaired. क्या I want bike to be repaired. चाहता हूँ राजू को मार पड़े, आई वॉन्ट राजू टू बी बीटन, आई वॉन्ट राजू टू बी बीटन, क्या आई वॉन्ट राजू टू बी बीटन। ये बात समझ आ रहा है कि यहाँ पे जिसको ऊपर आप काम करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ले आएंगे, मैं चाहता हूँ इंग्लिश बोली जाए, आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन, क्या आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन, आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन, आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन, मैं चाहता हूँ इंग्लिश बोली जाए, आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन, मैं चाहता हूँ इंग्लिश सीखी जाए, आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी लर्न, आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी लर्न, बोलो आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी लर्न, मैं चाहता हूँ मैच फिनिश किया जाए, आई वॉन्ट मैच टू बी फिनिश्ड, आई वॉन्ट मैच टू बी फिनिश्ड, क्या आई वॉन्ट मैच टू बी फिनिश्ड, मैं चाहता हूँ नया मैच शुरू किया जाए, आई वॉन्ट न्यू मैच टू बी स्टार्टेड, आई वॉन्ट न्यू मैच टू बी स्टार्टेड, बोलो आई वॉन्ट न्यू मैच टू बी स्टार्टेड, आई वॉन्ट न्यू मैच टू बी स्टार्टेड, बोलो आई वॉन्ट न्यू मैच टू बी स्टार्टेड, आई वॉन्ट न्यू मैच टू बी स्टार्टेड, बोलो जी आई वॉन्ट न्यू मैच टू बी स्टार्टेड, यानी जिसको पर भी यहाँ पर कार्य करवाना है मतलब वो यहाँ पर नेम आ जाएगा, got it? Yes, got it. I don't have any problem. It will be spoken. It will be spoken. क्या? It will be spoken. What will be spoken? English will be spoken. English will be spoken. बोलो जी. English will be spoken. English will be spoken. इसके अलावा क्या सीखा था आपने फिलिंग में, आपको याद हो तो आपने जो सीखा था क्या सीखा था इसके बाद, यानी नीड सीखा था, नीड सीखा था, इसके बाद तो नीड सीखा होगा, तो नीड सीखा तो यहाँ पर भी वही है आई नीड, ठीक है आई नीड, उसके बाद में यहाँ पर भी यू, और उसके बाद में टू बी डन मैं करे दे रहा हूँ,
और जिसको ऊपर भी काम करवाना है ना वही चीज यहाँ पर हम ला करके जो है डाल देंगे। क्लियर है ना? जैसे मैं मुझे जरूरत है तुम्हें डांट पड़वाने की, आई नीड यू टू बी स्कोल्डेड। क्या आई नीड यू टू बी स्कोल्डेड? मुझे जरूरत है तुम पे डांट पड़वानी चाहिए। आई नीड यू टू बी स्कोल्डेड। आई नीड यू टू बी स्कोल्डेड। आई नीड यू टू बी स्कोल्डेड। क्या आई नीड यू टू बी स्कोल्डेड? मुझे जरूरत है तुम्हें इंग्लिश सिखाया जाए। आई नीड यू टू बी आई नीड यू टू बी टॉट इंग्लिश आएगा, याद रखिएगा, पर लर्न नहीं आएगा। तुमको मतलब सिखाया जाए, सिखाना तो टीच ही होता है ना, सीखना होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा करवाना है ना काम, उसके ऊपर ये करवाना है। हम मैं चाहता हूँ तुम्हें जो है इंग्लिश जो है सिखाया जाए, तो आए मतलब सिखाने की जरूरत है, तो आई नीड यू, जरूरत है भाई, मुझे जरूरत है तुम्हारी। किस बात की है? टू बी टॉट इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने की। ठीक है, हो जाएगा, फिर नीड का निट्स हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर आई लगाओ, यू लगाओ, ही लगाओ, दे लगाओ, मैंने कहा ना आए, तो बस मैंने एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ऐसा कर दिया, बाकी जो मन करे वो लगाओ। इसी तरीके से जो है मैंने इसके बाद आपको सिखाया था क्या, क्या बाबा मैं स्ट्रक्चर लिखूं यहीं पे जो है लाइक लिख सकता हूं मैं? आप कह सकते हो किसी को आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत बड़ा खुश हो जाएगा, क्या बात है, वो मुझे पसंद करता है, आई लाइक यू। पीछे से कहते टू बी बीटन, मुझे बेहद पसंद है कि तुम मतलब मुझे पसंद है, तुम पे मार पड़े, तो आई लाइक यू टू बी बीटन। क्या आई लाइक यू टू बी बीटन? मुझे पसंद है तुम पे मार पड़े। आई लाइक यू टू बी बीटन। आई लाइक यू टू बी बीटन। बोलो आई लाइक यू टू बी बीटन। मुझे पसंद है तुम पे डांट पड़े। आई लाइक यू टू बी स्कोल्डेड। आई लाइक यू टू बी स्कोल्डेड। बोलो आई लाइक यू टू बी स्कोल्डेड। आई लाइक यू टू बी स्कोल्डेड। बोलो आई लाइक यू टू बी स्कोल्डेड। यस स्कोल्डेड। I don't care it though. It will be spoken. What will be spoken? English will be spoken. English will be spoken. Spoken, बोलो जी. English will be spoken. English will be spoken. इसी तरीके से यहाँ पर फिर कोई भी फीलिंग आप लेकर के आ सकते हैं, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और क्या बचता है? इसके बाद और क्या सीखा था आपने? इसके बाद और क्या सीखा आपने? लाइक के लिए के बाद में लाइक के बाद में और क्या सीखा था? हैव टू। हैव सीखा था, यानी हैव टू सीखा था। अच्छा, हैव टू में थोड़ा सा चेंज है, हैव टू में जो है थोड़ा सा चेंज है। और क्या चेंज है? हैव टू में आप सीधा सीधा मतलब यही स्ट्रक्चर बना सकते हैं वाला, यहाँ पर मैं 12 इसको दे देता हूँ स्पेशल स्ट्रक्चर। मान लेगा यहाँ पे आई लिख ले रहा हूँ फिलहाल, आई हैव टू बी डन, I have to be डन। क्या I have to be डन? I have to be डन। I have to be डन। क्या I have to be डन? लेकिन जरा फिर भी सोच लेते हैं भाई, ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? have to का खेल क्या? I have to be डन का, he has to be scolded, he has to be scolded, he has to be scolded, मतलब इसका इसको डांट खाना मजबूरी है इसकी। he has to be scolded, तो he has to be scolded हो जाएगा, तो इसकी डांट खाना मजबूरी है। He has to be scolded. क्या? He has to be scolded. He has to be scolded. क्या? He has to be scolded. इसका पिटना मजबूरी है। He has to be beaten. He has to be beaten. Beaten. क्या? He has to be beaten. He has to be beaten. बोलो जी। He has to be beaten. He has to be beaten. क्या? He has to be beaten. He has to be beaten. क्या? He has to be beaten. Yes, sir. Problem. I don't have any problem. इस तरीके से आप जो है और यही पे पैसिव फिर आपका फिनिश। और क्या बचा? कोई बचता है क्या? और कुछ सीखा था इसके अलावा? यूज्ड सीखा था। यूज्ड, अच्छा यूज्ड सीखा था भैया। एक फीलिंग और रह गया यूज्ड टू। यूज्ड टू, तो यूज टू की जब बात आएगी तो क्या करना है? यूज टू में भी आपको बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आई यूज टू बी, उसके बाद में डन हो जाएगा। अब कह सकते हैं, अब यहाँ आया क्या, यू लगाओ, ही लगाओ, तुम्हारी अपना मर्जी है, तो मैंने स्ट्रक्चर के लिए ले लिया है। यस सर। कि भैया इसको ना मार बहुत पड़ा करती थी,
यानी ही यूज टू बी बीटर, क्या ही यूज टू बी बीटर, ये पिटाया करता था, ही यूज टू बी बीटर। जैसे आप अपने फ्रेंडों में बात करने लगते हैं, मान लेगा आपने पढ़ाई कर ली, फिर बाद में मुलाकातें हो रही है, आए स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद में पता चला कि एक तीसरा फ्रेंड आ रहा था तुम्हारा घूमता फिरता और वो मार बहुत मार खाता था स्कूल वाले दिनों में, तो तुम उसे देख कर कहते हो अपने मतलब दूसरे दोस्त कि भाई वो जो आ रहा है देख हमारा दोस्त सारा देखने वाला बहुत पिटा करता था, वो सच में स्कूल में बहुत पिटा करता था भाई, सच में इसमें सबसे ज्यादा इसमें मार पड़ा करती थी, तो यानी ही यूज टू बी डन हो जाएगा उसके लिए स्ट्रक्चर, और फिर वो पड़ा करती थी मार उसको, तो यूज टू बी डन क्या, ये पिटा करता था, यूज टू बी बीटन, बोलो इसको डांट बहुत पड़ती थी, यूज टू बी स्कॉल्डेड, बोलो क्या है, यूज टू बी स्कॉल्डेड, क्या यूज टू बी स्कॉल्डेड, क्या यूज टू बी स्कॉल्डेड, अब यहाँ पर जो है आप ये मान लेगा एक जो है ये तो ले आए हैं आप मान लेगा एक डुअल के रूप में, यहाँ पर जो है आप क्या है नॉन डुअल के रूप में भी वर्ड को लेकर के आ सकते हैं, यहाँ पर इस केस में कैसे ला सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि भी कंचे खेले जाया करते थे, तो मार्बल्स यूज टू बी प्लेड, क्या मार्बल्स यूज टू बी प्लेड, क्या मार्बल्स यूज टू बी प्लेड, मार्बल्स यूज टू बी प्लेड प्लेड, क्या मार्बल्स यूज टू बी प्लेड, कार्ड्स खेले जाते थे, कार्ड्स यूज टू बी प्लेड, क्या कार्ड्स यूज टू बी प्लेड, कार्ड्स यूज टू बी प्लेड, क्या कार्ड्स यूज टू बी प्लेड, यस आई हैव आई डोंट हैव अ क्लॉक, इंग्लिश विल स्पॉकन, इंग्लिश विल बी स्पॉकन, इंग्लिश विल बी स्पॉकन, स्पॉकन क्या इंग्लिश विल बी स्पॉकन, इंग्लिश विल बी स्पॉकन, तो इसके अलावा बताओ क्या बचा फिर तुम्हारा, यूज टू के बाद कोई बचा, डेयर टू, डेयर टू बचा, अच्छा ये भी डेयर टू फिलिंग बची एक, तो यानी इसका स्ट्रक्चर भी जो का तो जैसा ऐसा है ना ऐसी रहेगा, आई डेयर टू बी, क्योंकि साहस जो हो सकता है वो किस में हो सकता है, व्यक्ति में ही हो सकता है, ठीक है साहस तो व्यक्ति में ही हो सकता है जी, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ डू वर्ड ही आएगा, और आई डेयर टू बी डन, और ऐसे ही आ जाएगा ही डेयर्स टू बी डन, तो भैया पिटने की शक्ति तो इसी भाई इसी मिसाल से पिट रखा, तो ही डेयर्स टू बी बीटन, क्या डेयर्स टू बी डन, यही पिट सके भाई, ही डेयर्स टू बी बीटन, क्या डेयर्स टू बी डन, भैया डांट तो यही खा सके, ही डेयर्स टू बी स्कॉल्डेड, ही डेयर्स टू बी स्कॉल्डेड, क्या ही डेयर्स टू बी स्कॉल्डेड, ही डेयर्स टू बी स्कॉल्डेड, ही डेयर्स टू बी स्कॉल्डेड, क्या ही डेयर्स टू बी स्कॉल्डेड, यस स्कॉल्डेड, I don't have a problem. I will respond. इसके बाद क्या बचा बोलो, फॉन्डअप बचा, अच्छा फॉन्डअप जो मामला है ना ये जो है तुम्हारा एक नो एक्शन का अलग मामला, वहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है ऐसा करने के, एम टू हाँ एम टू में हो जाएगा भाई, एम टू इस टू आर टू में हो जाएगा, बिल्टू कहाँ बताया कहाँ पढ़ा है बिल्टू, सुडहैप पढ़ा है, वहाँ हो जाएगा गुड, क्या चलो सुडहैप का देख लो, पहले सुडहैप का है तो यहाँ पर आए सुडहैप बनाने के लिए स्ट्रक्चर में सीधा सीधा दे रहा हूँ, आए सुडहैप उसके बाद में बीन और उसके बाद में डन हो जाएगा, I should have been done, क्या I should have been done, I should have been done, क्या I should have been done, I should have been done, अच्छा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी वैसे देखो ये जो कुछ देखो सेंटेंस की जो बात आती है ना पैसिव वॉइस की, कुछ स्ट्रक्चर्स में ऐसे हैं जहाँ पर आप कुछ ही सेंटेंस बोल पाएंगे जिनकी जरूरत ही कुछ नहीं पड़ती है आपको, ठीक है कुछ ही सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बोल पाएंगे, तो जैसे मान लीजिएगा अब आए लगा दिया तो यहाँ पर आए तो आए सकता है, यहाँ पर ना किसी थिंग का भी नहीं मार सकता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है यहाँ पर जो है थिंग का भी नहीं मार सकता है, जैसे हम कहें कि भाई घर को ना पेंट हो जाना चाहिए था,
यानी हाउस शुड हैव बीन पेंटेड, क्या हाउस शुड हैव बीन पेंटेड, घर को पेंट हो जाना चाहिए था, हाउस शुड हैव बीन पेंटेड, हाउस शुड हैव बीन पेंटेड, क्या हाउस शुड हैव बीन पेंटेड, बाइक रिपेयर हो जानी चाहिए थी भाई, बाइक शुड हैव बीन रिपेयर्ड, बाइक शुड हैव बीन रिपेयर्ड, बोलो बाइक शुड हैव बीन रिपेयर्ड, भैया बाइक मतलब रिपेयर होने जानी चाहिए थी, बाइक शुड हैव बीन रिपेयर्ड, बाइक शुड हैव बीन रिपेयर्ड, क्या बाइक शुड हैव बीन रिपेयर्ड, भैया एग्जाम तो हो जाना चाहिए था, डन बोल दो, जब कुछ ना आया तो डन बोल दो, डन ना डन तो एग्जाम शुड हैव बीन डन, एग्जाम शुड हैव बीन डन, एग्जाम शुड बैठ जाओ, एग्जाम शुड हैव बीन डन, एग्जाम शुड हैव बीन डन, क्या एग्जाम शुड हैव बीन डन, एग्जाम शुड हैव बीन डन, बोलो जी एग्जाम शुड हैव बीन डन, इसको डांट पढ़नी चाहिए थी, इसको तो डांट पढ़नी चाहिए जरूर, पिटना भी चाहिए था, शुड हैव बीन बीटन, क्या शुड हैव बीन इसके बाद जो स्ट्रक्चर बचता है आपका वो बचता है जी I am to be done, क्या I am to be done, अब यहाँ पर जो है क्या है मतलब व्यक्ति का नेम ले सकते हैं, इसके अलावा थिंग का भी नेम ले सकते हैं, यहाँ पर दोनों आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपको कहना है कि भाई इसको तो सच में पिटना है, he is to be beaten, क्या he is to be beaten, ये तो पिटना है, he is to be beaten, जैसे मान लेगा कोई है मिस्टेक कर दिया कोई क्लास में या काम करके नहीं लाया तो आप अपने दोस्त से कहते हो, दूसरे को बताते हो, अरे ये ना ये तो पिटेगा, पिटने वाला है, देख ले ये पिटना है इसको, तो क्योंकि कामिला का कला है, he is to be beaten, क्या he is to be beaten, तो पिटना है, he is to be beaten, इसको डांट पढ़नी है, he is to be scolded, he is to be scolded, क्या he is to be scolded, इसको डांट पढ़नी है जरूर, he is to be scolded, he is to be scolded, he is to be scolded, भैया घर पेंट होना है, भैया इसकी बाइक तो बिकनी है, His wife is to be sold. His wife sold. अब बेचना सेल होता है, सेल का एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड, तो his wife is to be sold. बोलो his wife is to be sold. His wife is to be sold. क्या his wife is to be sold. His wife is to be sold. Got it? Yes, got it. Any problem? I don't have any problem. बोलेंगे English is fine. Will be spoken. What will be spoken? English is fine. English will be spoken. आप बताइएगा क्या बचा है, सिका बचा है, वहाँ पे जरूरत नहीं है आपको लगाने की, कौन सा ऑप्शन सिका, ठीक है ना, हो सकता नहीं है, यस पिगिंदी यस, इसको एक्टिव में बोल सकते हैं कि मैं इसको पिटवाना चाहता हूँ, मैं इसको पिटवाना चाहता हूँ, यस आई वॉन्ट हिम टू बी मतलब पिटवाना चाहता हूँ, एक्टिव में तो नहीं होगा, आई वॉन्ट हिम टू बी बीट, I want him to be beaten, तो उसमें बोला ना, सर बी बी क्वेश्चन इसमें डुअल नहीं है इसलिए बी बी ये क्या बी स्ट्रक्चर, तो अच्छा वो बी तो बी अपने आप में होता है, वो तो अपने आप में होता है वो तो बी, ठीक है, इस तरीके से आप जो है मतलब बोल सकते हैं, had it yes any problem, I don't have any problem, so it should be written. Yes. अरे should it be written? It should be written. अरे लिखा जाना चाहिए ये? It should be written. तो लिखो लिखा जाना चाहिए तो. I am ready.
It has been written. Have written. I have written. लिखा जाना चाहिए. सो राइट टू स्टार्ट फॉर स्टार्ट टू राइट उल्टा कर देना. स्टार्ट टू राइट. चलो भाई लिखो. लिखिएगा. Does he want to be beaten? ये क्या पिटना चाहता है? Does he want to be beaten? Does he want to be beaten? क्या ये पिटना चाहता है? Does he want to be beaten? Does he want to be beaten? तो लिख लो yes, he wants to be beaten. हाँ ये पिटना चाहता है. He wants to be beaten. हाँ पिटना चाहता है. He wants to be beaten. लिख लो why does he want to be beaten? क्यों पिटना चाहता है? Why does he want to be beaten? क्यों पिटना चाहता है? Why does he want to be beaten? क्यों पिटना चाहता है? Why does he want to be beaten? Why does he want to be beaten? तो जवाब में लिखिएगा शैतानी कर रहा है यानी मिस्चीफ इज बीइंग डन. मिस्चीफ इज बीइंग डन बाय हिम. शैतानी कर रहा है यानी इसके द्वारा शैतानी हो रही है. मिस्चीफ इज बीइंग डन बाय हिम. एम आई एस सी एच आई एफ. मिस्चीफ इज बीइंग डन बाय हिम. शैतानी हो रही है इसके द्वारा. मिस्चीफ इज बीइंग डन बाय हिम. उसके अलावा आगे लिख लो. डू यू वांट हिम टू बी बीटन. क्या तुम भी चाहते हो उसको वो पीटे? डू यू वांट हिम टू बी बीटन. एक बार मेरी तरफ भी ध्यान दे लो बोर्ड पर. देखो यहीं से क्वेश्चन कैसे बन रहा है. डू यू वांट हिम टू बी बीटन. क्या तुम भी चाहते हो मतलब पीटे वो? Do you want him to be beaten? Do you want him to be beaten? क्या तुम भी चाहते हो उसे मतलब पिटे? Do you want him to be beaten? तो लिख लो yes, I want him to be beaten. मैं भी चाहता हूँ पिटे वो. Yes, I want him to be beaten. मैं भी चाहता हूँ पिटे. Yes, I want him to be beaten. तो इसी का नजर लिख लो क्वेश्चन. डू यू नीड हिम टू बी बीटन. तुम्हें जरूरत है उसे पिटवाने की? डू यू नीड हिम टू बी बीटन. तुम्हें जरूरत है क्या उसे पिटवाने की? डू यू नीड हिम टू बी बीटन. तो लिख लो यस आई नीड हिम टू बी बीटन. हाँ जरूरत है मुझे उसे पिटवाने की. आई Need him to be beaten. इसी के नीचे लिख लो. Do you like him to be beaten? तुम्हें पसंद है उसे पिटवाना? Do you like him to be beaten? पर लिखो yes, I like him to be beaten. हाँ मुझे पसंद है उसे पिटवाना. Yes, I like him to be beaten. Yes, I like him to be beaten. तो लिख लो. अच्छा spoke Hindi. That is name. That is name. रुक जाओ. रुक जाओ. He said रुक जाओ. Yes. No sir. Beaten. Eaten? Yes sir. His friend. Yes sir. What telling lie? No sir. Yes sir. I am not telling. Listen care. नालायक. फिर बोल करके रुक जा. फिर यूं कर रहा दांत में दबा रहा. हट देख तो ना झूठा कहीं का.
क्या लिखा? मुझे पसंद है पिटना, मुझे थोड़ी नहीं उससे पसंद है, उसको पिटवाना पसंद है। आई लाइक हिम टू बी बीटन, ये शब्दों का खेल है, आगे पीछे करा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, काम पता नहीं चलेगा किसको ऊपर हो गया। देखो आई लाइक हिम टू बी बीटन। इसके अलावा अब why do you like him to be beaten? भाई तुम्हें क्यों पसंद है उसे पिटवाना रे? Why do you like him to be beaten? तो लिख लो, mischief is done daily। अरे डेली शैतानी करता है, यानी डेली शैतानी होती है। mischief is done daily, ये इट इज डन स्ट्रक्चर से बन रहा है। मिस्चीफ इज डन डेली, अरे डेली शैतानी होती है भैया, कहां तक इसको बचाऊं। मिस्चीफ इज डन डेली, तो इसी के नीचे लिख लो इज ही टू बी बीटन। फिर इसको इसका मतलब पिटना ही पिटना है, यानी पिटेगा इसका मतलब, तो पिट रही है। इज ही टू बी बीटन, तो फिर क्या ये पिटना है? Is he to be beaten? ये तय है, इसका मतलब पिटना ही है। फिर Is he to be beaten? तो लिख लो yes, he is to be beaten, ये पूर्ण कुछ तय है। He is to be beaten, पिटना ही पिटना भैया। इसके अलावा हाँ क्या लिखा? He is to be beaten। अब यहां पर लिख लो by whom इज ही टू बी बीटन, ये किसके द्वारा पिटना है, यानी कौन पिटेगा, मतलब किसको, मतलब किसके द्वारा पिटना है इसको। बाय हुम इज ही टू बी बीटन, किसके द्वारा पिटना है ये, बाय हुम इज ही टू बी बीटन। तो लिख लो ही इज टू बी बीटन, ही इज टू बी बीटन बाय हिज फादर, इसके पापा के द्वारा पिटेगा। He is to be beaten by his father. इसके पापा के द्वारा पिटना है, तय है ये बात भी। He is to be beaten by his father. चले तो have written. It has been written. इस तरीके से आप जो है मतलब passive voice बोल सकते हैं। Got it? Yes, got it. तुम्हारे जो Sunday. Sunday जो Sunday. Have fun tomorrow. Meet on Monday. Till then my side. Nice meeting you. Yeah.